ये स्पष्ट कर दिया कि काल रूपी ब्रह्म, ये सदाशिव जिसको कहते हैं, ये दुर्गा का पति है। इन दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से विष्णु का जन्म हुआ। ये काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा विष्णु की माता है। स्पष्ट हुआ? ये है रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में। अब सातवां अध्याय रुद्र संहिता का ये कंसेप्ट क्लियर करेगा, ये स्पष्ट करेगा कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भी दुर्गा और काल से, सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से और इस दुर्गा से हुई। ये देखिए 103 पृष्ठ है और ये रुद्र संहिता का ये छठा अध्याय यहाँ समाप्त हो गया, ये सातवां शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवरसे तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत्त प्रयत्न करके जैसे विष्णु की उत्पत्ति हुई है मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न कर दिया। अब ये स्पष्ट हो गया कि काल रूपी ब्रह्म अर्थात सदाशिव जिसको कहते हैं उससे और दुर्गा से श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी के माता पिता ये काल रूपी ब्रह्म और ये दुर्गा देवी है। ये हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं और इनकी जीवनी बता रही है। आज तक जो भी ये नकली गुरु आचार्य कह रहे हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर हैं, वो नकली हैं, उनसे बचो, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। और अपने सदग्रंथों को स्वयं पहचानो और इस दास के पास आओ, अपना कल्याण करवाओ। बहुत युग बीत गए यहाँ इस धोखे में अपना जीवन नष्ट करते हुए। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव जी, शिव के महेश के माता पिता कौन हैं। अब इसी रुद्र संहिता के प्रश्न नंबर 110 पर अर्थात अध्याय 9 के लास्ट में, अब आपको कल दिखाते हैं कि ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और श्री महेश अर्थात रुद्र से ये काल रूपी ब्रह्म, ये सदाशिव इनसे भिन्न है। यहाँ पर ये अनुवाद करता, क्योंकि ये केवल हिंदी में अनुवादित है, मूल संस्कृत अलग पुस्तक में लिखी है, तो ये विचलित हो गया कि शिवजी से शिवजी की उत्पत्ति कैसे लिखूं, मेरा मजाक हो जाएगा, इनको ज्ञान तो था नहीं। फिर भी कहते हैं सच्चाई नहीं छुपती, चोर चुरावे तूंबड़ी और गड्ढे पानी में वो गड्ढे वह ऊपर आवे, इन्हों सच्चाई छनी ना। इन तत्वज्ञानहीन अनुवादकर्ताओं ने, ऋषि आचार्यों ने सदग्रंथों के अनुवादों में बहुत फेरबदल अनर्थ कर दिया, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजरो अमर मानकर लोक वेद के आधार से इन पवित्र सदग्रंथों का अनुवाद करने लगे। जो श्री शिव जी के परम भक्त आचार्य थे उन्होंने शिव पुराण का अनुवाद करना शुरू किया, तो उन्होंने कोशिश की कि श्री शिव जी को तो कम से कम हम नायक सिद्ध कर सकें, तमोगुण शिव को, लेकिन नहीं कर सके। अब देखिएगा ये रुद्र संहिता अध्याय 9 के लास्ट में श्री शिव पुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही पुस्तक चल रही है। रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 110 पर, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए।
अपनात्मा ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश कहो चाहे रुद्र कहो, यहाँ पर ये रुद्र शब्द महेश के लिए है और इनसे अलग है इनका पिता ये शिव सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, ये काल रूपी ब्रह्म है। अब ये स्पष्ट चार हो गए, एक दो तीन और ये चौथा, ये इनसे नारा है। अब फिर दिखाते हैं इसी पवित्र शिव पुराण में, ये देखिएगा, एक बार श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी में इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारी सृष्टि का जनक हूँ और विष्णु जी का भी मैं ही उत्पत्ति करता हूँ। अज्ञान आधार से ब्रह्मा जी ऐसे बोले विष्णु जी को। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, मैं सबका मालिक हूँ, मैं ही सबका जनक हूँ और ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो, तुम अपने आप को जगतकर्ता नहीं कह सकते, तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी कहता है तुम मेरे पुत्र हो, विष्णु जी कहते हैं तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा जनक हूँ। इस बात पर विवाद हो गया। उनके विवाद का निपटारा करने के लिए इस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने, काल ने, इनके पिता ने, इनके बीच में एक तेजो में पिलर खड़ा कर दिया जो शिवलिंग नाम से जाना जाने लगा। अब इन्होंने विवाद तो बंद कर दिया, अब ये असमंजस में पड़ गए कि इतना लंबा ये स्तंभ कहां से आ गया। फिर ये काल रूपी ब्रह्म ये सदाशिव यानी शिव रूप में प्रकट हो गया। ये कैसे छल करता है ये ब्रह्म, ये काल रूपी ब्रह्म, ये किसी को तो श्री ब्रह्मा जी का रूप दिखा देता है, किसी को श्री विष्णु जी के रूप में प्रकट हो जाता है और कहीं पर ये शिव के रूप में, अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए अभी तक ये आचार्य लोग, ये ऋषि महर्षि सभी भ्रम में पड़े रहे, ये समझ नहीं सके। ये कहते रहे कोई विष्णु जी को सर्वेश्वर बताता रहा, कोई शिव जी को, कोई ब्रह्मा जी को। तो फिर वो प्रकट होकर के इनको समझाता है कि तुम भगवान नहीं हो, ब्रह्मा जी विष्णु जी को ये काल रूपी ब्रह्म कहता तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ईश मान लिया, ये तुम्हारी गलती है, इसको दुरुस्त करने के लिए मैं अब रण स्थान पर आया हूं। अपनात्मा, अब ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब आपको दिखाते हैं जिसमें मूल संस्कृत भी विद्यमान है उससे ये कंसेप्ट क्लियर होगा जो दास करना चाहता है। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहाँ से छपा है, श्री शिव महापुराण विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित है, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से ये छपा है, ये प्रकाशित है, इसके प्रकाशक हैं ये है अथ श्री शिव महापुराणम भाषा टीका सहितम प्रारंभते। अब हम इसके इसमें संस्कृत भी विद्यमान है, पृष्ठ नंबर 11 से प्रारंभ करेंगे। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6, ये देखिए, नंदी केश्वर बोले हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए विष्णु जी के पास, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। वत्स बेटा, ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु को, बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं।
आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, यानी अंदर तो बहुत गुस्सा हुआ पर उसको ऊपर ना दिखाया विष्णु जी ने, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले वत्स। विष्णु जी ब्रह्मा जी को बोले बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है, यानी गुस्से में हो रहे थे ब्रह्मा जी ये सुनकर, पुत्र शब्द सुनकर विष्णु जी से। ब्रह्मा जी बोले वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है, हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। अब देखिए इनका लठ बाजेगा, किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, लठ इनका झगड़ा हो गया। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। आगे देखो, तब ये तो लड़ने लग गए ब्रह्मा और विष्णु जी थे, और हमारे देवताओं का चरित्र देखो। तब संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अपने आत्माओं, हमारे देवताओं का करैक्टर देखो। यदि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों तो देव पुरुषों का, अच्छे व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि उनका बीच बचाव करके उस जुल्म से बचाए उनको। और हमारे देवता क्या कर रहे हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, शाबाश लड़ो मर के, मरो लड़के। अरे तेरा गजब भैया, पुण्यात्माओं विचार करो, हम किसको क्या समझ रहे थे। परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर देव जी, उनके ज्ञान को जो आज दास उजागर कर रहा है, 600 वर्ष पहले उन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुओं ने दबा दिया था, ऊपर नहीं आने दिया, क्योंकि जनता अशिक्षित थी। अब परमात्मा ने दया बख्शी, अपने बच्चों को शिक्षित किया और फिर ही सदग्रंथों के गुड़ रहस्य को आपके समक्ष रूबरू इस दास से करवाया। अब प्रसंग ये भी चल रहा है कि श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु और ये शिव महेश जो काल के पुत्र हैं, ये प्रभु नहीं हैं, ये ईश नहीं हैं, ये इनका पिता और ये शिव पुराण स्पष्ट कर रही है। देखिएगा, ये देखिएगा शिव पुराण, वही शिव पुराण है, 17 पृष्ठ, अध्याय 9, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9। अब ये संक्षिप्त में दिखा रहा हूँ। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, किसने, ये काल सदाशिव काल रूपी ब्रह्म आ गया बीच में, सतम खड़ा कर दिया। मैं केवल संक्षिप्त सुना रहा हूँ आपको, आप पढ़ सकते हैं इसको। वो क्या कह रहा है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो बीच में पिलर खड़ा कर रहा था और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, यानी अब खड़ा है शिव रूप में, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कह रहे हैं, उनके पिता काल
अथवा दूसरों को, तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती।